That little mouse, cause I'm an albatross. तो भाई लोग कैसे हो, आखिरकार नया सीज़न आ गया और अपनी रैंक पुश फिर से शुरू। मैं आज पहले दिन लॉगिन करता हूँ और भाई पहले ही मैच है मेरा है। मतलब अभी मैंने लॉगिन किया, अभी तक सुबह से पहले ही लॉगिन है मेरा। ओ भाई क्या पबजी एक्स मेट्रो रॉयल मोड। और भाई पबजी सबसे पहले तो कॉन्कर की फ्रेम लेनी है भाई, कॉन्कर की फ्रेम टाइटल ये सब। और भाई कलेक्ट करता हूँ इसको। 2000 सिल्वर मिले, एक मिथिक इफेक्ट मिला। ये मिथिक इफेक्ट तो एक ही सीज़न के लिए होता है, सिर्फ सीज़न 16। और ये टाइटल मिला, 16 में कॉन्कर किया था, ये दिखा रहा है अब किस टाइम होगा ना डीमोड। अब मैं आ गया प्लैटिनम 2 पे, इस सीज़न 16 में प्लैटिनम 2 से करूँगा मैं पुश। और ये न्यू जर्नी विगन। और अब हम गेम प्ले की तरफ बढ़ते हैं, ये रॉयल पास बाद में देखा जाएगा कैसा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये नॉर्मल अपने ड्रॉप पे मिल्टा पाओगे और यहाँ पे लूटता हूँ। और भाई मेरे पे मैसेज एक कमेंट आया था, वो भाई बोल रहा था कि इसका लॉबी लग नहीं रही। और स्टार्टिंग में भाई मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, भाई लॉबी लगी नहीं रही। मैंने क्या भाई क्या कुछ नहीं किया, पहले मैं क्लियर डेटा किया भाई, क्लियर डेटा करने के बाद कुछ नहीं हो रहा। और दोपहर को 2 बजे के आसपास 6-6 मिनट तक मैंने मैचिंग खिलाई और भाई क्या ही बोलूँ, 6 मिनट तक एक भी कुछ भी नहीं हुआ भाई। तो 6 मिनट के बाद मैंने रात में एक मैचिंग लगाई, 3 मिनट एस्टिमेट टाइम लगा, 3 मिनट जैसे ही हुआ फिर अपने आप लॉबी आ गई भाई, कसम से ओपी भाई। वो पहला ही मैच है मेरा। यहाँ पर मैं लूटता हूँ मिल्टा पाउच, और तभी यहाँ पर एक बॉट आता है। इस बॉट को आराम से पेल देता हूँ और इसके आराम से छोटी मोटी लूट उठा लेता हूँ। और सीधा मतलब यहाँ पर भी मेरे पास कोई व्हीकल नहीं थी, इसलिए मुझे जल्दी लूटना था और जल्दी व्हीकल खोजने के लिए निकलना था। यहाँ पे आता हूँ ये फल कंपाउंड में मिल्टा के पेड़ वाले, यहाँ पे लूट लेता हूँ। और तभी एक और बॉट आ जाता है, इस बॉट को आराम से DBS का हेडशॉट देके इसको फिनिश कर देता हूँ। और इसके पास M4 मिल जाती है, M4 लेता हूँ। और तभी सामने रोड से मुझे बग्गी मिल जाती है, उस बग्गी को उठा के निकल लेता हूँ मैं वहाँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में डार से दिखी थी मुझे उतरते हुए, इस डार से की तरफ निकल लेता हूँ ताकि डार से सही रहती है ना बग्गी का, किसी टायर फोड़ दिया बेकार हो गई बग्गी। और क्या ही बोलूँ, ये डार से उठा लेता हूँ और डार से सीधा मैं निकल लेता हूँ जोन की तरफ। जोन अभी भाई बहुत मतलब 1500 मीटर के आसपास है और थर्ड जोन है। मैं जोन पे आ जाता हूँ, जैसे जोन एकदम जस्ट बगल में हूँ, जोन पे आ गया और सबसे भाई थर्ड जोन है, मतलब मिड गेम हो चुका है। अब मुझे इस मूवमेंट पे मेरे पे डिपेंड करता है मैं यहाँ पे कितना प्लस निकालूंगा। मैं हैकर से मरता हूँ या कुछ भी कैसे भी होता हूँ, फाइट जैसे लेता हूँ वो मेरे पे डिपेंड करता है। इस लॉबी में भी एक हैकर था, उससे मैं एंड में मिलवाऊंगा। मैं यहाँ पर निकालता हूँ और मेरा मानना है कि भाई कभी भी एंड जोन में गाड़ी घुमाऊँ भाई। मैं अभी जोन के एकदम कोने पे हूँ, जोन के अभी अभी बाहर से आया हूँ। यहाँ पे मैं कंफर्म है यहाँ पे कोई बंदा नहीं, क्योंकि आया था मैं लो था, अगर कोई बंदा होता तो अभी तक मैं फायर करता जरूर, बट किसी ने भी फायर नहीं किया। मतलब यहाँ पे साफ सी बात है यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ आराम से गाड़ी घुमाता हूँ। और देखो मैं जोन को मजे में डैमेज ले रहा हूँ, क्योंकि बूस्टर तो ही और थोड़ा बहुत डैमेज मिल जाए अपने आप को ही सही है। यहाँ पर मैं गाड़ी घुमाता हूँ भाई, जोन देखता हूँ भाई, फोर्थ जोन है, कितना ज़्यादा दूर है भाई, फिफ्थ जोन आने वाला है, कसम से बहुत दूर है। यहाँ पे जैसे ही आता हूँ तभी मेरे को लेफ्ट से एक घर होता है, उस घर से भाई फायरिंग आती है AKM का, तो समझ लेता हूँ वहाँ पे एक बंदा भाई। मैं अभी कंफ्यूज था उसे फाइट लूँ या भागूँ, तभी मैं एक बहुत लंबा सा रोटेशन देता हूँ ताकि अगर वो मेरे पे मारने की कोशिश करे, हैकर भी हो तभी भी यहाँ से इतनी एक्यूरेट स्प्रे तो हैकर तक का नहीं होता भाई, जो इतना दूर से गाड़ी से गिरा दे। इसलिए मैं इतना दूर से घुमाता हूँ भाई, क्या ही बोलूँ, इतना दूर से घुमाता हूँ। अभी मैं कन्फ्यूज़ था क्योंकि क्या करूँ भाई, उसे फाइट लूँ या ना लूँ। तो मैं सोचता हूँ इग्नोर मारता हूँ उसे, मैं बस देखते रहता हूँ बंदे दिखे तो कुछ एक्शन करूँ या कुछ भी करूँ। तभी ध्यान हल्का से क्या भटका, मैं यहीं पे थूक जाती है भाई, क्या ही बोलूँ, यहाँ पर गाड़ी ठुकी, मैंने तुरंत निकालता हूँ और मैं निकल लेता हूँ सामने तरफ, क्योंकि अभी मैं जोन के बाहर घुमा रहा था और कोई भी फाइट नहीं ले रही थी। क्योंकि मेरे पे अभी डिपेंड करता भाई मैं कितना प्लस निकालता हूँ इस मैच में, अगर अभी माना जाता है तो 2 या 3 प्लस होगा, क्योंकि प्लैटिनम 2 पे हूँ भाई, इतना गंदा भी टाइम नहीं होता, मतलब प्लस कम मिलता है प्लैटिनम 2 में भी, जल्दी मर जाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चाहता हूँ और बिना माइनस के कोई दिक्कत के। इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी मैं राइट साइड में घुमाऊंगा, अभी जोन पे आने में बहुत टाइम है, अभी 46 सेकंड के आसपास है, और इसलिए मैं यहीं पे आ जाता हूँ दोबारा उसकी तरफ। अभी मैं राइट साइड देख ही रहा हूँ कि अगर बंदा दिखे या गाड़ी कुछ भी स्पॉट हो, अगर मतलब ओपन में दिख जाए या कुछ भी हो जाए तो क्या ही फ्री का किल मिलेगा, बट वो बंदा दिखता ही नहीं है, इसलिए मैं वापस गाड़ी घुमाता रहता हूँ। बट यहाँ पर मैं सोचता हूँ कन्फ्यूज़ होता हूँ कि उससे फाइट लूँ या ना लूँ, इसलिए थोड़ी देर बाद मैं यहीं पर दोबारा घुमाने लग जाता हूँ भाई, क्योंकि पहला ही मैच था और पहले मैच में थोड़ा सा हाथ गर्म करने के लिए फाइट लेने का मन भी था मेरा थोड़ा बहुत, इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ और गाड़ी यहीं पे रोक दूंगा थोड़ी देर में और यहीं पे इस पर कुछ एंगल वेंगल बनाने की कोशिश करूँगा। और भाई पहला ही मैच है मेरा और मैं नहीं चाहता ना कि यहाँ पे जल्दी से मर जाऊँ, क्योंकि अभी मैंने 2 बॉट को पहल लिए, मतलब ठीक ठाक से खेल हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उतर जाता हूँ, क्या पता थोड़ा सा स्पॉट करूँ, क्या पता बंदे दिख जाएँ कुछ भी हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। देखो
मैं सुबह हल्का सा पीक देता हूँ, मुझे गाड़ी देखो, एक भी स्पॉट नहीं हुई गाड़ी, तभी वहाँ पे थोड़ी देर में देखो वहाँ पे गाड़ी आई, मैं देखता हूँ फिर फाइल लेता हूँ मैं। क्या ही फायर दिया भाई मैंने, एक बॉडी एक हेड मार दिया। और वो उसको ध्यान से देखो बंदा, वो टीम अप थे भाई कसम से, पहला ही मैच और पहले ही मैच में टीम अप आ गए। ओपी भाई ओपी, टीम अप वाले भाई ओपी भाई, क्या ही टीम अप थे इनको भाई कसम से। एक और बुलेट लग जाती ना, एक हेड लगा था एक बॉडी लगा था, एक और बुलेट बस सिर्फ सिंगल बुलेट का ये बंदा था ड्राइवर, उसको आराम से वो निकाल लेता भाई मैं से। चलो कोई नहीं ये बच गया, अब मैं यहाँ से सीधा निकलूँगा जोन की तरफ। और ये जो टीम अप था ना, इनसे मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ, क्योंकि याद रखना इनके पास एक के पास AKM थी, एक के पास M4 थी, इनसे थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं। देखो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ जोन की तरफ, मतलब ये लीच से मिल गई, मुझे पता था बंदे मिलेंगे मेरे रास्ते में, क्योंकि उसको लो कर दिया था, वो हिल वाने कहीं ना कहीं रुकेगा। ये जो छोटा सा घर होता है यहाँ पे, वो बंदा रुका होता है। देखो ये मुझ पर क्या ही फायर लेता है भाई कसम से, कुछ ज़्यादा मतलब एक भी गोलियाँ लगी नहीं, बट तभी भी अच्छा फायर लिया। और ये फिफ्थ जोन आ गया था, मेरी हेल्थ देखो कितनी जल्दी से जा रही है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पास न करें, एकदम यहीं पर पहुँचें कि अगल बगल में मतलब जो राइट में छोटा सा घर है वहीं पर ठोक दूंगा और वहाँ पर बैठ के खेल मारूंगा। तो इस घर में आता हूँ मैं, यहाँ पर लूटता रहता हूँ, तभी मेरे को यहाँ पर देखो लूटा मैंने, तभी मेरे को राइट में हल्की सी एक आहट की सुनाई दी, मैं वहाँ पर स्पॉट करता हूँ क्या पता दिखे इस साइड में कोई नहीं, फिर इधर देखता हूँ वो बंदा। देखो वो बंदा कहाँ से भाई जोन से एकदम डैमेज लेके आया था, AJ निंजा करके भाई, क्या ही कसम से ये रियल था भाई कसम से, पहले तो मैं डाउट लग गया क्या ये भाई कसम रियल बंदा था, यहाँ पर डैमेज लेके आया था, इसको आराम से पेल देता हूँ। और तभी जोन बनने में सिर्फ 16 सेकंड बचे, और मैं गाड़ी में स्मोक करता हूँ और बूस्टर मार लेता हूँ, फुल कर लेता हूँ मतलब बूस्टर से, और मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठ जाऊँगा। सबसे पहले मैं करूँगा फ्यूल भरूँगा भाई, फ्यूल मेरे पास एक बचा है और क्या पता कब काम आ जाए, इसलिए फ्यूल भर देता हूँ गाड़ी में। और अब मैं निकलूँगा जोन की तरफ, जोन आ गया होता है और जोन के साथ साथ चल रहा हूँ। और क्लिफ में देखो एक स्टार मतलब करके बंदा है, 19 कुछ करके, वो बंदा ध्यान रख रहा है मिनी 14 चला रहा है और कभी कभार DPP से भी मार रहा है। देखो उस्ताद 99 कुछ करके गया ये बंदा, तभी राइट से मेरे को पहाड़ी से M4 का शॉट आता है, क्या ही प्यारा मारता है बंदा, OP स्प्रे था, लेजेंड बंदा था बट OP स्प्रे था, उसकी ज़्यादा गोली कनेक्ट नहीं हुई, बस एक गोली कनेक्ट हुई बस, गाड़ी पे मेरी काफ़ी कनेक्ट हुई बट गाड़ी पे, इसलिए मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। और तभी यहाँ पे आता हूँ, तभी सामने से मेरे पे मिनी 14 आता है, मेरी फायर आ रहा था मिनी 14 वाला, तो यहाँ पर मैं कन्फ्यूज होता जाऊँगा राइट वाली पहाड़ी पे या लेफ्ट वाली पहाड़ी पे, मैं जोन का वेट करता हूँ यहाँ पे घुमाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ जोन बनेगा तभी जाऊँगा कहीं, और जोन बन गया भाई। और देखो मेरी राइट में जो टायर था, मैं टायर फोड़ दिया भाई, टायर फोड़ दिया तो बैलेंस बिगड़ गया और यहाँ पे स्लाइड हो गई मेरी गाड़ी। यहाँ पे आता हूँ मैं, सबसे पहले कवर धोता हूँ, छोटा सा पत्थर क्या है, मैं पीछे से कवर लेके सोचता हूँ तभी आगे पड़ने रहती है, और ये उस्ताद के बंदे ने पेल दिया मेरे को, क्या ही भाई मिनी 14 से पेल रहा था मेरे को, पहले लगा लेजिट है क्योंकि क्या ही मारा, मैं पत्थर के पीछे हल्का कवर नहीं ले पाया इसलिए पेल दिया। और इसकी कार्डियो देखता हूँ, अभी पहला ही मैच था इसका भी, सीधे 15 कौन कर रहे हैं मेरी तरह, और ये पहला ही मैच है उस्ताद 5911 करके इस बंदे के नाम है, पहला ही मैच था इसका। और भाई इसका मेरा ध्यान जाता है लेजिट है मुझे लगता है, फिर मेरा ध्यान से खेल भी जाता है भाई, 11 किल 16 FPP कॉन्कर लॉबी पे, ओ भाई ओ ओ पी भाई कसम से बहुत ही ज़्यादा प्रो है या हैकर है, इसलिए डाउट होता है, इसलिए मैं इसको स्पेक्टेट करता हूँ। ये मतलब फाइट ले रहा होता है, इसको एक हेडशॉट पता है, ये हीलिंग मार लेता है, तो तभी सामने आता है क्योंकि सामने से ESP तो शायद होगा, शायद मैं बोल लूँ हैकर, उस समय गेम खेलते हो तो कन्फर्म होता है हैकर है लेजिट है, इसलिए यहाँ पे आता है। और देखो क्या है ये फायर कर रहा भाई, दिखा नहीं तभी भी, मतलब मुझे कुछ गड़बड़ लगी भाई, तभी यहाँ पे प्रोन हो गए अपने आप ये, और यहाँ पे प्रोन हुआ जैसे ही वो बंदा आया जोन बना मतलब आया, वो तुरंत खड़ा हो गया। देखो वहाँ पे BRDM में और उस गाड़ी में क्या ही फाइल लिया भाई इसने कसम से, डैमेज बहुत कर दिया था मतलब उतार ही देता, वो गाड़ी वो रिचे कवर चली गई यहाँ से, तभी वो एक गाड़ी ऊपर चली गई, देखो ऊपर गाड़ी गई, यहाँ से फाइल लेता है बंदा, दिख नहीं रहा तभी फाइल ले रहा है, इतना मतलब कुछ गड़बड़ ESP टाइम में पता चल गया इसके पास है। यहाँ पे आता है इस बंदे को हेडशॉट से पेल देता है, और बचा एक लास्ट बंदा, देखो इसे आराम से रिलोड की, देखो बंदा मुझे कन्फ्यूजेबल है का, बट ये देखो ये रहा BRDM वाला, ये बंदा है 100 RP वाला 6 सीजन की, ये वो रियल बंदा है लास्ट वाला, दो ही बंदे बचे हैं, और ये गाड़ी से इसको कुचलने की कोशिश करता है,
और ये भाई हैकर ने गाड़ी फोड़ रहा था, उसे पता है जैसे इसकी रिलोड में जाएगी ये डीपी और मिनी 14 से स्विच करके तो मारेगा नहीं, इसलिए आराम से पेल देगा। इसलिए इसने सबसे पहले मिनी 14 इसे चेंज करी, देखो पेटी में इसने यूज उठा ली मिनी 14 चेंज करके क्लोज रेंज गन, थोड़ा दिमाग लगाया। जैसे ही बंदा भाई डीपी आरडीएम से बाहर निकला, क्या ही इसने यूजी से फायर करके फिनिश कर दिया ये भाई। मुझे लगा पहले तो लेजिट है, बट थोड़ा बहुत एएसपी टाइप मतलब लगा था, तभी ऐसे रिप्ले देखता हूँ। देखो भाई वहाँ पर फाइट लगा थे ये छोटे शैक में, बंदे बेल रहा था ये बी आर डी एम पर फाइल ले रहा था, तभी मैं राइट में आता हूँ। ये देखो इसे पता चल गया मैं राइट में हूँ, ये झाड़ी पत्थर पहाड़ के पीछे मार रहा है, पेल दिया भाई इतनी जल्दी, मतलब कुछ डाउट लगा भाई मुझे, गड़बड़ लगी। चलो कोई नहीं, मतलब इसके मैं आई डी चेक करूँगा, इसकी आई डी मैंने नोट कर ली थी। मैं अभी +20 हुआ भाई, 3 किल है 6-3 पे, 6 पे 3 किल मतलब सही था, 20+ बहुत सही। ये इसकी आईडी चेक करूँगा भाई, ये देखो इसकी आईडी ऊपर ही है उस्ताद 5911 करके। देखो इसका कुछ 12 KD है, डायमंड 5 पे पहुँच चुका है, 4 मैच में डायमंड 5 पे, मतलब 100+ कर लिए इसी 15 कॉन्करर। और क्रिस्टर देखो 17 किल 2 किल 17 13 किल, ओ भाई मार मुझे, ये स्क्वाड के ये तो चलो पिछले सीजन के भाई 17 किल 16 में हलवा नहीं है। और देखो पिछले सीजन की केडी से 3.5 की 40% का हेडशॉट, इसी तरह हैकर है मतलब कन्फर्म हैकर है। उस समय में हल्का सा डाउट था ये हैकर है लेजिट है, बट फिर केडी वेडी जब देखी आईडी में जाके कन्फर्म हैकर है। इसको मैं थोड़ी देर में रिपोर्ट बना देता हूँ, क्या पता कुछ बैन वैन हो जाए, इसलिए सारे लगा लेता हूँ ये फिर सारे एमबोट इसलिए लगा लेता हूँ, इसको रिपोर्ट बना देता हूँ। मेरी रैंक देखो अभी भाई, मेरी रैंक क्या चल रही है 16 FPP में, 59 पे रैंक है, ओपी भाई ओपी, सर्वाइव रैंक भी काफ़ी अच्छी खासी है मेरी। तो धीरे धीरे मैं इस तरह रैंक बढ़ाऊंगा और थोड़े दिन में आपको अच्छा सा अच्छा गेम प्ले दूंगा। तो आज की वीडियो को इतने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय बाय गाइज़।